हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक लोकल चाइना कंपनी का टीवी है, तो इस टीवी का हम आपको पावर सप्लाई के विषय में डिटेल रूप से बताऊंगा। और वह भी पावर सप्लाई जो होता है, पावर सप्लाई के सेकेंडरी सेक्शन, इसके विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और फॉल्ट के विषय में बताऊंगा। तो दोस्तों, पावर सप्लाई में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी सेक्शन और सेकंड है सेकेंडरी सेक्शन। तो हम आज आपको सेकेंडरी सेक्शन के विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और फॉल्ट के विषय में विवरण बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे दोस्तों सादर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे को टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो काला वाला धारी है, इस धारी के इस साइड जो है, बाएं साइड वाला प्राइमरी सेक्शन है पावर सप्लाई का। और यहाँ से जो देख रहे हैं काला धारी, यह से दाहिने साइड वाला जो है, इतना वाला ये देख रहे हैं, यह है हमारा सेकेंडरी सेक्शन, प्राइम पावर सप्लाई का सेकेंडरी सेक्शन। तो हम इसी सेकेंडरी सेक्शन के विषय में हम आप जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, सेकेंडरी सेक्शन से देखिए, यहाँ से यहाँ एक डायोड लगता है और यह डायोड का नंबर जो दोस्तों, हर सेट में अलग अलग डायोड लगते हैं, लेकिन जो जनरल हम लोग डायोड खराब होने के बाद लगाते हैं, वह लगाते हैं RU2G या RU3Y। यही सब डायोड दोस्तों हम इसमें लगाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ देखिए जो डायोड लगा है, यह डायोड लगाकर हमारा जो है सप्लाई है वर्टिकल सेक्शन के लिए निकलता है 110 वोल्ट। और ऊपर वाला जो सप्लाई आप देख रहे हैं, यह डायोड, यह 110 वोल्ट की सप्लाई है। फिर आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा है, तो यह हमारा जो है 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई निकलता है। किसी में 8 वोल्ट निकलता है, किसी में 11 12 वोल्ट की सप्लाई निकलता है। इसी के बीच में इसमें से सप्लाई आउट होता है। और यह दोस्तों सप्लाई हमारा 14 से 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर निकलता है और यह साउंड सेक्शन को जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको टीवी स्टार्ट करके और वोल्टेज चेक करा देते हैं, उसके बाद आपको फॉल्ट के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम टीवी को स्टार्ट कर दिए हैं, तो सबसे पहले आप स्क्रीन देख लीजिए। ये देखिए, हमारा स्क्रीन टीवी बिल्कुल सही है, टीवी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब वोल्टेज देख लीजिए। तो हम मीटर को DC 200 के रेंज में सेट कर देते हैं और एक जो इसका पिन है काला वाला, उसको हम पिक्चर ट्यूब के कोने पर ग्राउंड कर दिए हैं। लाल वाले से हम पॉजिटिव वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा 110 वोल्ट, तो देखिए हमारा 107 वोल्ट आ रहा है। 105 से 110 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। और किसी किसी टीवी में है जो दोस्तों 120 से 125 वोल्ट आउट होता है, वह सैमसंग कंपनी के टीवी में आउट होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यह है वर्टिकल सेक्शन की सप्लाई देख लीजिए। तो यह देखिए हमारा 27 वोल्ट, 26 से 27 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आउट होता है। उसके बाद यह देखिए हमारा 11 वोल्ट की सप्लाई, 11 से ऊपर वोल्टेज है, यानी 12 वोल्ट के लगभग होगा सप्लाई इसमें। देखिए 12 वोल्ट के लगभग है सप्लाई, ठीक है, यह ओके है। अब जो दोस्तों देखिए, यह साउंड सेक्शन की सप्लाई है, तो इसमें जो है दोस्तों हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रहा है, 14 से 15 वोल्ट की सप्लाई इसमें आउट होता है, ठीक है। अब जो है दोस्तों, हम आपको फॉल्ट के विषय में बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ 110 वोल्ट की सप्लाई आउट हुआ, हमने टीवी का लाइन काट दिया है। तो जब यहाँ से 110 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रहा है, तो ये अगर कभी कदाल देखे होंगे कि टीवी के जो LED है, सप्लाई देने के बाद LED जलता है लेकिन टीवी स्टार्ट मेरा नहीं होता है, तो हमारा टीवी स्टैंड बाई में हो जाता है। उस फॉल्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप 110 वोल्ट की सप्लाई चेक करें, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई सही रहता है और हमारा खराबी जो है हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में रहता है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन दोस्तों देखिए, ये है EST का पार्ट, यही है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे वह दिखाते हैं आपको। तो देखिए 110 वोल्ट की जो सप्लाई निकाला है, वह देखिए प्रिंट द्वारा यह सप्लाई यहाँ आया है। और दोस्तों देखिए, यहाँ से यहाँ एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगता है, 1 वाट का यह रेजिस्टेंस होता है। और यह रेजिस्टेंस दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन को 110 वोल्ट की सप्लाई देता है,
ठीक है। तो जब आप पावर सप्लाई चेक करेंगे और यहाँ पर आपको 110 वोल्ट न बताए या आपको 25 वोल्ट 50 वोल्ट या 80 वोल्ट की सप्लाई बताए, तो सबसे पहले आप इस रेजिस्टेंस को एक पिन को आप ओपन कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल सेक्शन का सप्लाई काट दीजिए, उसके बाद यहाँ से चेक कीजिए वोल्टेज। अगर वोल्टेज सही हो जाता है तो दोस्तों हमारा जो खराबी है वह हॉरिजॉन्टल सेक्शन में खराबी निकलेगा। तो आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन को चेक करके और उसका जो है फॉल्ट आप बना लीजिए, आपका टीवी ओके हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 27 वोल्ट के विषय में समझते हैं। तो हमारा यहाँ से यहाँ एक डायोड लगाकर यहाँ से 27 वोल्ट की सप्लाई निकलता है और यह सप्लाई जो है दोस्तों हमारा वर्टिकल सेक्शन को जाता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ एक प्रिंट है और प्रिंट के द्वारा यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस होता है 1 वाट का। और यह सप्लाई दोस्तों देखिए प्रिंट से चला, यह सप्लाई दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ एक जैक लगाकर यह सप्लाई नीचे आ गया है और एक सप्लाई इसी में से दोस्तों यह देखिए ऊपर गया है और यह सप्लाई जो है दोस्तों जाता है यहाँ पर रेजिस्टेंस से, यहाँ सप्लाई आया है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर को सप्लाई जाता है। इसके विषय में पहले बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये हमारा सप्लाई वर्टिकल सेक्शन को आया और जब वर्टिकल सेक्शन में हमारा शॉर्ट सर्किट रहेगा, आईसी यह शॉर्ट रहेगा तो हमारा 27 वोल्ट सप्लाई नहीं बताएगा या 27 वोल्ट से कम बताएगा, 12 वोल्ट या 15 वोल्ट की सप्लाई बताएगा। उस स्थिति में हमें करना यह है कि यह देखिए यहाँ पर जो सप्लाई पिन है जैक लगा हुआ है, इस जैक को आप इस सिरा को ओपन कर दीजिए, एक सिरा को आप ओपन कर दीजिए, निकाल दीजिए, उसके बाद हम सप्लाई को चेक करेंगे। और अगर सप्लाई मेरा सही है तो हमारा खराबी हॉरिजॉन्टल में है, अगर फिर भी सप्लाई गड़बड़ है तो देखिए अगर फिर भी सप्लाई गड़बड़ है तो यहाँ पर एक देखिए फिल्टर कंडेंसर लगे हुए रहते हैं 35 वोल्ट के, 25 से 35 वोल्ट का, 35 वोल्ट का यहाँ पर कंडेंसर लगता है दोस्तों। यह कंडेंसर को आप जरूर चेक करें, यह कंडेंसर आपका खराब हो सकता है। और 110 वोल्ट में भी यहाँ पर 160 वोल्ट का यहाँ पर कंडेंसर लगे हुए रहते हैं, अगर यहाँ सप्लाई लो हो तो आप इस कंडेंसर को बदल सकते हैं या इस कंडेंसर को आप चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों ये देखिए 12 वोल्ट की जो सप्लाई निकाला है, 8 से 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर निकलता है, यह सप्लाई दोस्तों आईसी को जाता है। तो देखिए यहाँ से कैसे निकला है, यह देखिए प्रिंट द्वारा होकर और यह सप्लाई मेरा यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आने के बाद यह रेजिस्टेंस से यहाँ आ गया और फिर रेजिस्टेंस से इधर और फिर जैक से इधर और यहाँ पर 2 ठो ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, इसी पे सप्लाई आता है और यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होता है, तब हमारा आईसी को ऑपरेट करता है और वर्टिकल सेक्शन को यहाँ 5 वोल्ट की ट्यूनर पर सप्लाई आपको मिलेगा। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई यह ना मिले तो आपके टीवी के स्क्रीन पर बाएं से दाएं एक केवल लाइन आएगा मरकरी के जैसा और कुछ भी नहीं। तो यह हमारा उस स्थिति में हमारा खराबी 5 वोल्ट न मिलने पर हमारा खराबी इस ट्रांजिस्टर में होता है या इससे रिलेटेड इसके पार्ट में खराबी आपको मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों समझिए यहाँ से जो 16 वोल्ट की सप्लाई निकाला है, 14 से 16 वोल्ट की जो सप्लाई निकला है, यह सप्लाई दोस्तों यह देखिए साउंड सेक्शन को आया है। तो यह देखिए यह प्रिंट द्वारा होकर और यह सप्लाई यहाँ आ गया और यहाँ भी एक फिल्टर कंडेंसर लगे हुए हैं दोस्तों। हर सप्लाई के बाद डायोड लगाने के बाद फिल्टर कंडेंसर लगता है, क्योंकि दोस्तों डायोड लगाने के बाद सप्लाई जो है हमारा पीसी करंट हो जाता है और जब कंडेंसर पर देते हैं हम कैपेसिटर लगाते हैं फिल्टर कैपेसिटर, तब वह सप्लाई जो है डीसी बनता है, यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ एक जैक लगाकर यह रेजिस्टेंस है दोस्तों, यह रेजिस्टेंस सप्लाई हमारा आईसी के पिन पे आया, आईसी पे सप्लाई गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल आउटपुट के विषय में बताते हैं। यह देखिए हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया है, यहाँ से कितना सप्लाई दिया है वह आपको 14 टीवी हम स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो टीवी हमारा स्टार्ट हो गया है, सबसे पहले हम इसको 200 के रेंज में सेट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर 27 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर 14 वोल्ट की दोस्तों सप्लाई है। दोस्तों बहुत गाड़ी आते जाता रहता है इसलिए कुछ हमिंग को दूर करने के लिए कभी कभी वीडियो भी रोक देते हैं, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 14.5 वोल्ट की सप्लाई और इस ट्रांजिस्टर पे आया है और यहाँ से दोस्तों और एक पिन इसका ट्रांजिस्टर का अर्थ होता है, इस पिन पे आपको सप्लाई मिलेगा, ठीक है। और यह देखिए यह जो है यहाँ पर बेस बाइसिंग दोस्तों आता है आईसी से, हॉरिजॉन्टल
आउटपुट बेस बायसिंग यह आता है ट्रांजिस्टर पर। जब यह सप्लाई हमारा आएगा तभी हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर यह काम करेगा, और जब हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा काम करेगा तब हमारा ईएसटी बनेगा। और यह बेस बायसिंग सप्लाई आईसी से अगर नहीं निकलेगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं करेगा। तो ये देखिए, इसके लिए ये देखिए, यहाँ से यह प्रिंट को पकड़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे आया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ आ गया, यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ आया है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ से रेजिस्टेंस निकला, यहाँ से आईसी से 2 वोल्ट की सप्लाई निकला है, और रेजिस्टेंस द्वारा सप्लाई को कम कर कर और सप्लाई को बेस बायसिंग में 0.5 वोल्ट के करीब ही सप्लाई निकलता है, और यहाँ 0.5 से 1 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों इस ट्रांजिस्टर पर आपको देखने के लिए मिलेगा अलग अलग सेट में, और यहाँ पर सप्लाई पहुँचता है। तो यहाँ पर अगर बेस बायसिंग आपको चेक करना है तो मीटर को एसी मोड में सेट करना पड़ेगा, तब आपको ये देखिए सप्लाई यहाँ बेस बायसिंग देखने के लिए आपको मिलेगा। मात्र एकदम हल्का हल्का सा आपको अगर कांटा वाला मीटर से चेक करते हैं तो आपको हल्का कांटा नाम मात्रा के हिलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप पुनः सप्लाई को सारे सप्लाई को फिर से एक बार देख लीजिए। तो देखिए हम मीटर को सेट कर दिए हैं डीसी मोड में, और अब आपको सप्लाई चेक करा के दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 110 वोल्ट ये सप्लाई मेरा सही है, और यह सप्लाई दोस्तों कम बने तो आप इस फिल्टर कंडेंसर को चेक करें, अन्यथा आप सबसे पहले आप इस रेजिस्टेंस को आप निकाल दीजिए बाहर, एक पिन को निकाल दीजिए, और उसके बाद सप्लाई को चेक कीजिए। अगर सप्लाई बनता है तो ठीक है, अगर फिर भी इसमें सप्लाई में आपका दिक्कत है तो यह कंडेंसर चेक कर लीजिए। अगर यह कंडेंसर सही है तो हमारा खराबी जो है दोस्तों एसएमपी ट्रांसफार्मर में या प्राइमरी सेक्शन में होगा, सप्लाई कम बनने का कारण, या जो सप्लाई रेगुलेट करता है। ये देखिए ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ इधर भी ट्रांजिस्टर है, यहाँ ऑटो कपलर है, इसी में दोस्तों खराबी आता है, तब यहाँ सप्लाई जो है दोस्तों कम बनता है। और जब एक सप्लाई हमारा कम बनेगा तो हमारा जो भी सप्लाई निकलेगा वह सारा सप्लाई दोस्तों ड्रॉप होगा, कम बनेगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से समझें और इसको देखें और चेक करें। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सप्लाई सेक्शन के सेकेंडरी पार्ट के विषय में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझने में किसी प्रकार से कोई कठिनाई है तो आप हमें एक कमेंट करें, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।